देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट हो रही है। 24 घंटे में सामने आए हैं 2,54,000 से ज्यादा नए केस। 4,142 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। महाराष्ट्र में भी कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में 29,644 नए मामले मिले हैं, जबकि 44,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। दिल्ली में 24 घंटे में 3,009 केस मिले हैं। 252 मरीजों ने दम तोड़ा है। दिल्ली में संक्रमण दर घटकर 4.76% रह गई है। प्रदेश में कोरोना के 5,643 मामले मिले हैं, जबकि 13,486 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 24 घंटे में 112 लोगों ने दम तोड़ा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर किसानों से बातचीत फिर से शुरू करने की मांग की है। पत्र में किसानों ने लिखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के नाते सरकार को परिपक्वता दिखानी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और बाकी फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मियों से बात की और उनके काम को सराहा। हरियाणा में बीपीएल परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। बीपीएल परिवार के कोरोना मरीजों के उपचार का सारा खर्च प्रदेश सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री ने कोरोना स्थिति पर प्रशासनिक सचिवों और सभी जिला उपायुक्तों के साथ समीक्षा बैठक की। ब्लैक फंगस को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग गंभीर है। सरकार ब्लैक फंगस की दवाई भी विदेश से मंगवाने जा रही है। केंद्र से दवा की मांग करने के साथ साथ सरकार विदेशों से भी ब्लैक फंगस की दवा मंगवाएगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि हरियाणा के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में उमंग नाम से सेंटर शुरू किए जाएंगे, जिसमें सभी मेडिकल सुविधाएं सहित मनोवैज्ञानिक और योग प्रशिक्षक भी तैनात किए जाएंगे। वहीं कोरोना पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सलजा ने कहा है कि सबको साथ मिलकर लड़ने की जरूरत है, सरकार भी इस बात को समझे। कुमारी सलजा ने गांव में लॉकडाउन के विरोध पर कहा कि गांव के लोगों को बुरा लगता है कि कोरोना के समय में ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए। प्रदेश के कृषि मंत्री द्वारा खाद सब्सिडी से प्रदेश के किसानों को 850 करोड़ का फायदा बताने के बयान पर इनेलो प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कहा कि ये जनता की आंखों में धूल झोंकने के अलावा कुछ नहीं है। यमुनानगर पहुंचे सांसद नायब सिंह सैनी ने संत रत्नाकर सत्संग भवन में बनाए गए ऑक्सीजन युक्त बेड की शुरुआत की। यहां 40 बेड की व्यवस्था की गई है। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा है कि कोरोना संक्रमण चक्र को रोकने में झज्जर जिला प्रशासन पूरी तरह से गंभीर कदम उठा रहा है। कोरोना पॉजिटिविटी के रेट में कमी लाने के साथ ही संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य सुधार को लेकर व्यापक प्रबंध प्रशासन की ओर से सुनिश्चित किए गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने सीएम के अस्पतालों के कार्यक्रम के विरोध करने वाले किसानों को तथाकथित कहा है और कहा है कि सीएम जहां भी रचनात्मक कार्य करने जाते हैं ये जो तकिया लेकर खड़े हो जाते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। जरूरतमंद कोरोना पॉजिटिव परिवारों को कांग्रेस रसोई के जरिए खाना मुहैया करवाया जाएगा। कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने कहा कि सरकार ने जल्दबाजी में अस्थायी कोविड अस्पतालों का उद्घाटन तो कर दिया लेकिन तैयारी नहीं की। हरियाणा पंजाब समेत 11 जिलों में ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया गया है। मेडिकल कॉलेजों में 20-20 बेड बनाए गए हैं। प्रदेश में अब तक करीब 300 केस आ गए हैं। करनाल में ब्लैक फंगस के 10 मामले सामने आने से स्वास्थ्य विभाग के लिए चिंता बढ़ गई है। कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल की तरफ से सरकार को जानकारी दे दी गई है कि ब्लैक फंगस से जुड़ी हुई दवाई का स्टॉक कम है। गन्नौर में कुछ दुकानदार चोरी छुपे दुकानें खोल रहे हैं। डीएसपी जोगेंद्र राठी ने शहर का निरीक्षण किया और चोरी छुपे दुकान खुले मिले पर दुकानदारों को फटकार भी लगाई और उनका चालान करवाया। सिरसा के सभी 334 गांवों में मेडिकल किट पहुंचाई गई है। इसके लिए ग्राम पंचायत, आशा वर्कर और आरएमपी डॉक्टर्स की मदद ली जा रही है। रादौर में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की बनाई गई 4 सदस्यीय कमेटी टीम घर घर जाकर सर्वे कर रही है। इस दौरान टीम परिवार के सदस्यों का टेम्परेचर और ऑक्सीजन लेवल जांच रही है।
रादौर के ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना की स्थिति को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। SDM सुरेंद्र पाल ने उपमंडल के 5 गांवों का दौरा किया। हरियाणा सरकार ने सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं को राहत दी है। बिल पेमेंट की अंतिम तिथि 3 जून तक बढ़ाई गई है। भवानीखेड़ा में हुई बारिश से गांवपुर के मुख्य मार्ग पर 2 से 3 फीट तक पानी जमा हो गया है। राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे आसपास के घरों में बीमारी का खतरा बढ़ गया है। सिरसा के ट्रेड टावर मार्केट में कई दुकानों में चोरी के मामले सामने आए हैं। 2 मोबाइल दुकानों में चोरी की कोशिश नाकाम है। शटर मजबूत होने के चलते चोर नहीं कर पाए।